हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। असिस्टेंट कंपाइलर का 29 दिसंबर 2021 में जो पेपर हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे आपके साथ, और अभी एक और शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट के ही जो है और क्वेश्चन जो है जो किसी और स्टूडेंट ने भेजे हुए हैं, वो भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। ठीक है, तो उनका रिव्यू दिखाएंगे। तो ये बच्चे जिसने भेजे उसका नाम मैं छुपा देता हूँ। अब क्वेश्चन जो है वो आपके सामने जो है वो यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है GVA के बारे में पूछा गया है, एट द बेस प्राइस। क्वेश्चन जो है वो आपका इकोनॉमिक से है कि GVA जो है वो एट द बेस प्राइस क्या होता है। तो सबसे पहले GVA क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडिड होता है। ठीक है, एट द बेसिक प्राइस, बेसिक प्राइस पे जो है पूछा गया है, तो इसमें प्रोडक्शन टैक्सेस जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है एड किए जाते हैं, और सब्सिडीज जो होती है ठीक है वो सब्ट्रैक्ट की जाती है फ्रॉम द GDP एट द फैक्टर कॉस्ट। तो ये बेसिकली फार्मूला है। ऑप्शन देख के आप वहां पर किस टाइप का ऑप्शन था बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है कैपिटल ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड की कैपिटल क्या है। तो चाइल्ड की कैपिटल जो है वो सेंटियागो है। क्या है, सेंटियागो। अब देखिए इसकी जो करेंसी है वो भी पूछी जा सकती है। उम्मीद है मेरे को पूरी के कल के एग्जामिनेशन में इसकी करेंसी पूछी जाएगी, और इसकी करेंसी जो होगी वो जो है यहाँ की चाइल्ड की करेंसी जो है वो पीसो है, PESO पीसो है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट है। कोरोना जो है वो क्रोन जो है वो इज द करेंसी ऑफ, कल की भी शिफ्ट में था आज भी है कि क्रोन जो है वो किसकी शिफ्ट किसकी करेंसी है। आप देखिए एक होता है कोरोना करेंसी KRONA जो कि आइसलैंड की करेंसी है, वो भी आपके एग्जामिनेशन में पूछी गई थी एक शिफ्ट में। और आज जो है इसी KRONA क्रोन जो है ये डेनमार्क की है। तो आप जो है कैपिटल लिखेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में कि डेनमार्क की कैपिटल क्या है। अब क्वेश्चन जो है आपका नेशनल हाईवे 701 से है। देखिए ये क्वेश्चन ज्योग्राफी के स्पेशल बैच में जो है हमने आपको जो रूट्स पढ़ाई थी उसमें हाईवेज ये सारी चीजें जो है कंप्लीट किए थे, और वहां पर इस क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस किया गया है कि क्योंकि वहां पर हमने डिटेल में चीजों को पढ़ाया था। तो ये किसकी जो है वो नेशनल हाईवे है 701। तो ये जो बेसिकली है ये नेशनल हाईवे जो है हमारे बारामूला से होते हुए रफियाबाद जाती है, रफियाबाद से कुपवाड़ा, और कुपवाड़ा से फाइनली टंगडार तक जो है बाडर इलाके तक जाती है। 126 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। लेंथ भी आपको पूछी जा सकती है। अब आगे चलते हैं। अब राजा राममोहन रॉय के बारे में, उनके बारे में पूछा गया, उनकी डेथ डेट पूछी गई है कि उनकी डेथ डेट क्या है। तो आप बताइए कब जो है राजा राममोहन रॉय जो है उनकी डेथ हुई थी। तो ये सितंबर का महीना था 1833 में। और राजा राममोहन रॉय क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने ब्रह्म समाज की जो है वो फाउंडेशन रखी थी। इन्हें फादर ऑफ बंगाल रेनिसेंस भी कहा जाता है। तो इस वजह से राजा राममोहन रॉय इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा तेज जो है वो यहाँ पर डिस्कस करूंगा क्योंकि मेरी बैटरी का इशू है, ये लैपटॉप स्विच होने वाला है। ठीक है, तो जोन जो है वो लाई करता है बिटवीन द टू ट्रॉपिक्स। तो कल भी ये क्वेश्चन जो है आया था, आज भी ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। कल पूछा गया था कि टोरिड जोन जो है वो किस ट्रॉपिक के बीच में है, तो वहां पर आंसर था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और आज देखिए उसी से क्वेश्चन है कि वो जोन बताइए जो दो ट्रॉपिक्स के बीच में है। तो जिन्होंने कल का सेशन अटेंड किया था तो उनका एक नंबर जो है श्योर है कि वो बढ़ेगा। अब देखिए आज के सेशन में जो अटेम्प्ट कर यहाँ पर जो हमारे साथ रहेगा उसको कल के सेशन में जरूर बेनिफिट होगा। ये जो है क्योंकि इसके पेपर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसी ही शिफ्ट बनाई जा रही है, क्योंकि इंटर रिलेटेड होगा सारा। अब बात करने वाले हैं हम ओपेक की। ओपेक की मैंने भी थोड़ी देर पहले भी बात की थी पहले पार्ट में भी कि ये क्या है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ये ओपेक जो है इसमें जो ओ है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ओ जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, आप सभी जानते होंगे ओ जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये ऑयल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑयल को करेगा। ठीक है, नहीं सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन को करेगा, क्योंकि हम बोलते हैं ओपेक की फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो याद रखेंगे, ठीक है, जैसे मैं भी कंफ्यूज हो गया अभी, बट आप भूलेंगे नहीं क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। ऑर्गेनाइजेशन है ये पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की। अब बात कर देंगे यूटी लद्दाख जो है किससे जो है कौन से एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है। देखिए हमने मॉक टेस्ट में क्वेश्चन रखा था कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो कौन एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है। क्यों रखा था, क्योंकि बच्चों को डाउट रहता है शायद LG है, LG नहीं होगा, गवर्नर नहीं होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होगा। ये इनडायरेक्टली जो है रूल जो होता है ये प्रेसिडेंट का जो होता है, और प्रेसिडेंट यहाँ पर अपॉइंट करता है एक LG को। तो बेसिकली जो रूल है वो किसका होगा, वो
जो है वो प्रेसिडेंट का होगा। और किस आर्टिकल से है ये? 239 के आर्टिकल है, जो कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर होगी कि वो एलजी को अपॉइंट करेगा यूनियन टेरिटरी में। तो ये क्वेश्चन अब अगली शिफ्ट के लिए रख लीजिए, अगर आपको पूछा जाए कि प्रेसिडेंट की वो कौन सी पावर है जिससे वो यूनियन टेरिटरी में जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करता है। फिर एक क्वेश्चन जो है वो सीरीज से है, जैसे कि पहले भी डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को। अब आर्टिकल 8 जो है इसके बारे में पूछा गया है। आर्टिकल 8 जो है वो किसका? JKPRA, मतलब J&K पंचायती राज एक्ट का 1989 में। तो इस आर्टिकल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है। तो इसमें जो है सही आंसर जो है वो बताएंगे। ये बेसिकली जो आर्टिकल होगा ये किससे रिलेटेड है? ये जो आर्टिकल है ये जो है सिक्योरिटी ऑफ द हल्का से, जो सेक्रेटरी होगा हल्का का, VLW हो या ठीक है या मल्टीपर्पज वर्कर हो, उनसे रिलेटेड है। तो ये J&K ऑर्गेनाइजेशन एक्ट का क्वेश्चन है। तो अब आप जानते हैं कि J&K पंचायती राज एक्ट 1989 में जो है वो आया है, जिसकी अडॉप्टेशन जो है J&K की जो है वो 21 अक्टूबर 2020 को की गई थी। और यहीं पर जो है आपको जो क्वेश्चन जो आया हुआ है वो है आर्टिकल 8 के बारे में। तो यहाँ पर बहुत से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके सेक्शन अक्सर पूछे जा सकते हैं कि सेक्शन 25 किससे रिलेटेड है, सेक्शन 27 किससे रिलेटेड है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल से जो है वो कौन सा सेक्शन है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। आगे क्वेश्चन हमारे पास है एजाज जो है कंजर्वेशन लोकेशन। देख हमारे पास बहुत सी कंजर्वेशन जो है वो साइट्स है, और यहीं पर जो है हमारे पास पूछा गया है, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? बांडीपुरा में है। कहाँ पर है? बांडीपुरा में है। तो बहुत सी हमारे पास ये साइट है, लेक कंजर्वेशन की साइट है, इनको जरूर एक बार जो है वो देख के जाइए। ठीक है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बोल देता हूँ। जैसे खिरम जो है ये हमारी जो एक कंजर्वेशन साइट है जो कि अनंतनाग में आती है। पनियार जो है वो पुलवामा में आती है, पुलवामा होगा, पी से पनियार होगा। फिर खरीव जो है वो भी पुलवामा में आती है। खनमू जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, पुलवामा में आती है। अच्छा, जो श्रीनगर में है वो कौन सी है? जैसे कि ब्रेन निशात है, ये आती है। खिम्बर आती है श्रीनगर में। फिर हमारे पास अनंतनाग में और कौन सी है? जैसे कि अच्छबल है, ये हमारे पास अनंतनाग में आती है। ठीक है, तो और को अनंतनाग में जो है खिरम भी आती है अनंतनाग में। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इससे पहले जो है वो जम्मू की पूछी गई थी। बाहू जो है वो जम्मू की जो है वो साइट होगी। कठुआ की अगर हम बात करते हैं तो थाइन, THEIN, थाइन जो होगा वो कठुआ की होगी। ठीक है, तो बाकी कुछ और इम्पोर्टेंट हमारे पास, जैसे कि कोई याद आ जाए हमारे पास, हाँ बारामूला की हम बात करेंगे तो नगनारी जो होगी वो बारामूला की होगी। उधमपुर की जो है वो सबसे बड़ी जो होगी वो सुद महादेव साइट होगी, इसे भूलेंगे नहीं। सुद महादेव का पूछा जा सकता है क्योंकि ये बड़ी साइट है। फिर हम बात करेंगे ओवरा और आरू बायोवाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है मे बी यही पूछा हो गया होगा, एस्टेब्लिशमेंट डेट या पूछा गया होगा कहाँ पर है, तो कहाँ पर आप जानते हैं अनंतनाग में है। फिर एक क्वेश्चन है मैथमेटिक्स में कॉस्ट से रिलेटेड, टोटल कॉस्ट जो है 189 पेन की जो है वो इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 124 पेन की, फाइंड करें आप प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है SI और CI से दो क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। अब देखें ये किसी बच्चे ने अपने हैंड राइटिंग में भेजा है, तो आप इसे भी देख लीजिए और इनका पूरा मैं दिखा देता हूँ उन्होंने क्या पूछा बोला गया है। ओपक क्वेश्चन कर लिया, डेनमार्क का क्वेश्चन कर लिया, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अनंतनाग में है। मे बी उतना क्लियर नहीं है लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन है। फिर है सुनील गवास्कर, तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपका कैपिटल ऑफ चाइल हम बोल चुके हैं। रेन हार्वेस्टिंग पे क्वेश्चन था। ठीक है, तो रेन हार्वेस्टिंग पढ़ चुके हैं हम ये सारी चीजें। फिर डिस्कवरी ऑफ कैप ऑफ गुड होप, ठीक है, इसके बारे में दो दिन पहले ही मैंने बात की कि कैप ऑफ गुड होप की अगर डिस्कवरी पूछी गई तो आपका आंसर जो है वो क्या होगा। ठीक है ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी जो है आ चुका था दूसरी बार, मतलब रिपीट हुआ है, तो इसे आप भूलेंगे नहीं। फिर लैंग्वेज पे क्वेश्चन था, लैंग्वेज पे क्वेश्चन आया था कि कनकली जो है वो ऑप्शन नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर गोवा की लैंग्वेज पूछी गई थी, तो यहाँ पर कुछ लिखा है बच्चे ने कनकली नॉट ऑप्शन गोवा। देखिए आज मैंने लैंग्वेज पे सुबह 3 क्वेश्चन जो है अपलोड किए थे जहां पर मैंने इस कनकली लैंग्वेज के बारे में भी जो है बात की थी। तो यहाँ पर बोला गया लैंग्वेज पे क्वेश्चन था, कनकली ऑप्शन नहीं था, गोवा की लैंग्वेज शायद दी गई होगी, मतलब इसी से रिलेटेड है। तो गोवा की कौन कौन सी लैंग्वेज है ये होगा। ठीक है, तो अब क्या है एक्चुअली में वो पता नहीं।
फिर रिवोल्ट ऑफ 1875 पे तो क्वेश्चन था वो कहाँ पर था, मीरठ में, ये जो है क्वेश्चन कर चुके हम। फिर है कुछ ऑन विच डेट सब्सिडरी अलायंस स्टार्ट, ये क्वेश्चन है स्वदेशी मूवमेंट पे है, 3P पे है, प्रेयर पार्टीशन एंड कुछ है, ठीक है ये रफ हैंड राइटिंग में इन्होंने लिखा है, इसकी वजह से हम देख ठीक मतलब पढ़ ना पाए। देखिए केसरी के बारे में है, कल भी मैंने डिस्कस किया केसरी के बारे में कि ये न्यूज़पेपर जो है इसकी हिंदी ट्रांसलेशन जो है मराठा न्यूज़पेपर थी, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन सॉरी, तो ये लिखने वाले बाल गंगाधर तिलक थे और लोकमान्य तिलक थे, तो इन्होंने बोला गया है केसरी राइटिंग, तो केसरी को जो है वो किस में जो है वो लिखा गया था, ठीक है तो ये क्वेश्चन था। फिर लखनऊ पैक्ट के बारे में था क्वेश्चन, ठीक है क्वेश्चन लखनऊ पैक्ट पे था और क्वेश्चन टिपिकल था बच्चे ने कहा है। फिर देखिए हिस्ट्री जो है पोर्शन थोड़ा टफ था, आज की डेट में बोला गया है कि हिस्ट्री का पोर्शन जो है वो टफ था, तो ये जो है स्टूडेंट का रिव्यू है, तो और आज जो है मैथमेटिक्स वाला और रीजनिंग बहुत इजी था ये सुनने को मिला है। आप देखिए हैबस कॉर्पस, रोज हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि ये चार रिट्स है इनके बारे में पढ़िए, इंफोग्राफिक्स बहुत बार अपलोड की है, तो इनमें से क्वेश्चन हर शिफ्ट में जो है देखने को मिल रहा है, तो आपने ठीक किया होगा उम्मीद करते हैं। तो यह जो है बच्चे का है, और इन्होंने कहा है मैसेज करके ही कि इन्होंने जो पेपर अटेम्प्ट किया है उसमें से इन्होंने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, लेकिन इनका रिव्यू ये है कि पेपर जो था वो ये हमारा, मैं पढ़ के बताता हूँ, इन्होंने लिखा है कि आई रीड योर टॉपिक वेरी वेल बट सिविक्स वॉज टफ फॉर मी, सिविक्स इनके लिए मुश्किल था एंड आई थिंक फॉर ऑल द स्टूडेंट, तो आप बताएंगे बाकी स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा, इन्होंने 100 अटेम्प्ट किए हैं और इन्होंने एग्जामिनेशन के बाहर से ही क्वेश्चन पेपर हमें सेंड किया था, फोटो उठाकर पहले क्वेश्चन को लिखा है, ठीक है तो इनकी भी ऊपर वाला हेल्प करे, ठीक है तो इन्होंने आपके लिए हेल्प की है, तो इसमें हम ये क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए। सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन मिलते ही हम आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।